एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं बीसीसीआई अध्यक्ष के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन। और आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम भी एयरपोर्ट पर मौजूद है। और अभी इस वक्त हालांकि 5 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन मदुरई से देर से चले। और अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या गिरफ्तार होंगे मैयप्पन, क्योंकि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है मुंबई एयरपोर्ट पर। बता दें आपको, विमान लैंड कर गया है गुरुनाथ मैयप्पन का, वो मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्राइम ब्रांच की टीम जो एयरपोर्ट पर मौजूद है, कि क्या एयरपोर्ट से ही मैयप्पन की गिरफ्तारी होगी। क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद है, मुंबई एयरपोर्ट पर मैयप्पन का विमान लैंड हो गया है। कयास ये लग रहे हैं कि मैयप्पन को हिरासत में लिया जा सकता है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत। उमेश, क्या जानकारी मिल रही है, कब बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट से मैयप्पन और क्या गिरफ्तारी हो सकती है उनकी? आज जिस तरह की पुलिस की तैयारी है निहाल, से साफ लगता है कि रनवे पर पुलिस पहुंच चुकी है। क्राइम ब्रांच जो यहां की यूनिट 8 नंबर की टीम है, वो पिछले 1 घंटे से यहां पर मौजूद है और सीधे रनवे पर चली गई है। और बाहर पुलिस ने एक गाड़ी लगा के रखी है और जिस तरह की पुलिस की तैयारी है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मैयप्पन जो लैंड हो चुके हैं, वो जैसे ही नीचे आएंगे उनको वहीं पर जो है हिरासत में ले लिया जाएगा। और जो इस वक्त आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट से मैयप्पन को बाहर लाया जाएगा। और बाहर एक टीम खड़ी है पुलिस की, पुलिस की गाड़ी खड़ी है, टीम अंदर जा चुकी है। तो जिस तरह की तैयारी मुंबई पुलिस ने करके रखी है, उसे साफ नजर आ रहा है कि उनको हिरासत में लेंगे, क्योंकि 11 से 5 बजे तक का वक्त उनको दिया गया था मुंबई पुलिस के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने का, वो समय बीत चुका है। इसलिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी उमेश। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि एयरपोर्ट पर शायद गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले पूछताछ होगी और शायद उसके बाद गिरफ्तारी हो। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय। मृत्युंजय, क्या जानकारी है आपके पास? नेहा, बताना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी नहीं होगी। ये लोकल जो यूनिट 9 क्राइम ब्रांच की 9 8 9 नंबर यूनिट है, वो वहाँ लोकल पोर्ट उनका दायरा है, वहाँ पर उपस्थित है। लेकिन यहाँ पर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की बात करें तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, क्वेश्चनर तैयार किए हैं, और उन प्रश्नों के आधार पर, जो कि एविडेंस के आधार पर और बिंदु दारा सिंह द्वारा की गए खुलासे के आधार पर कुछ सवाल तैयार किया हुआ है क्राइम ब्रांच ने, उन सवालों के जवाब तलाशे, और यदि वो उससे संतुष्ट नहीं होगी तो जो आगे की कार्रवाई होगी वो करेगी। लेकिन यह स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट पर कोई ऐसी मंशा नहीं है। हाँ, एयरपोर्ट पे उन्हें संभवतः डिटेन किया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी की बात से नकारा गया है। उस पर कुछ यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है कि सवाल जवाब होंगे, बिंदु दारा सिंह को सामने बिठाकर सवाल जवाब किया जा सकता है, और यह सब कुछ हिमांशु रॉय जो ज्वाइंट सीपी हैं उनके ठीक सामने ये होगा, और उसके बाद आगे तय किया जाएगा कि उन पर आगे क्या कार्रवाई करनी है। जी मृत्युंजय, एक बार फिर से आपसे स्पष्ट तौर पर जानना चाहेंगे, ये जो पूछताछ है ये एयरपोर्ट पर ही होगी या यहाँ से ले जाया जाएगा मैयप्पन को कहीं, और वहां जैसा आप कह रहे हैं बिंदु दारा सिंह के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, पूछताछ कहाँ होगी? जी नेहा, बताना चाहेंगे कि एयरपोर्ट पर गुरुनाथ मैयप्पन बाहर आएंगे और वो सीधे क्राइम ब्रांच के दफ्तर, जो कि दक्षिण मुंबई में आता है, क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचेंगे। संभवतः उनके साथ में क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारी होंगे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर क्राइम ब्रांच दफ्तर आने के बाद में खुद ज्वाइंट सीपी हिमांशु रॉय के सामने पूछताछ होगी और बिंदु दारा सिंह के सामने बिठाकर पूछताछ होगी, और इसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पूछताछ होने के बाद, जैसा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने प्रश्न बनाया हुआ है, एक सूची बनाई हुई है, जो कि एविडेंस अब मिले हुए हैं, जो भी सबूत मिले हुए हैं, या बिंदु दारा सिंह ने जो भी अब तक अपने खुलासे किए हुए हैं, उसके आधार पर कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं, उन प्रश्नों का जवाब चाहेगी। यदि उन प्रश्नों के जवाब से क्राइम ब्रांच संतुष्ट नहीं होता तो आगे की कार्रवाई पुलिस अपने अनुसार करेगी, संभवतः उन्हें हिरासत में या फिर गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट पर किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं होगी, जो भी पूछताछ होगी वो मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में होगी। यानी मृत्युंजय, पूरी संभावना यह है कि जो टीम क्राइम ब्रांच की मौजूद है एयरपोर्ट पर, वो साथ लेकर मैयप्पन को जा सकती है अपने दफ्तर, अपने ऑफिस, और वहां पर जैसा कि आप कह रहे हैं बिंदु दारा सिंह के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। जी बिल्कुल नेहा, जैसा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम है, वो लोकल यूनिट 9, जो कि वो वहां का दायरा आता है, एयरपोर्ट जुरिस्डिक्शन में वो क्षेत्र आता है क्राइम ब्रांच की, इसलिए वहां पर है। लेकिन जरूर कुछ जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, वो एयरपोर्ट से लेकर जो यहाँ पे मुंबई क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी होगी, 30 से 35 किलोमीटर की दूरी होगी, वहां पर पहुंचेंगे। और साउथ मुंबई में ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर आता है कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस में ही, और वहां पर लेकर आएंगे और यहाँ गुरुनाथ मैयप्पन से पूछताछ जाएगी। सबसे पहले उनसे व्यक्तिगत पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में जो प्रश्न तैयार की गई है, प्रश्नावली तैयार की गई है, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर बिंदु दारा सिंह को सामने बिठाया जाएगा और फिर दोनों के बीच जो भी
सवाल जवाब किए जाएंगे और यह सब कुछ क्राइम ब्रांच की एक टीम और इसकी निगरानी करेंगे। खुद हिमांशु राज जो ज्वाइंट सिटी क्राइम के हैं वो खुद उनकी निगरानी में पूरा सवाल जवाब की प्रक्रिया शुरू होगी। एक अनुमान है नेहा कि संभवतः वो 9:30 का वक्त हो सकता है, 9 के बाद ही वक्त होगा कि जब यहाँ पर पहुंचेंगे। और चूंकि आप बताना चाहेंगे कि क्राइम ब्रांच के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो देर रात तक यहाँ पर रुकने के अनुसार से ही यहाँ पर ठहरे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वो देर रात तक यहाँ पर रुक के जो क्वेश्चनिंग का मामला है, प्रश्नोत्तर का है, प्रश्न का है, वो यहाँ उसके लिए यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। जी, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पूछताछ होगी, बता दें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी नहीं होगी। मैयप्पन एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, क्राइम ब्रांच ने मैयप्पन के लिए सवाल तैयार किया। हमारे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित भी फोन लाइन पर मौजूद है। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे ताजा जानकारी इस प्रकरण में क्या मिल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक क्वेश्चनियर तैयार किया गया है और पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर जाएंगे मैयप्पन। हाँ जी हाँ, उनसे पूछताछ जो है दक्षिण मुंबई में पुलिस मुख्यालय में जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है वहां पर ही उनसे पूछताछ की जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि करीब घंटे भर बाद ही जो है उन्हें यहां पर ले आया जाएगा। वहां पर जो स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीम इसलिए गई हुई है ताकि मैयप्पन जो है वहां से किसी और ठिकाने ना चले जाएं, क्योंकि आज ही उन्हें 5 बजे तक हाजिर होना था मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने, वे हाजिर नहीं हुए और इसलिए अब एक तरह से पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और आज अदालत में भी जब बिंदु दारा सिंह की रिमांड लेने के लिए पुलिस ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन दायर की तो उसमें ये बात भी कही कि हमें रिमांड इसलिए एक्सटेंड करने के लिए चाहिए क्योंकि हम बिंदु दारा सिंह और गुरुनाथ मैयप्पन इन दोनों की एक साथ पूछताछ करना चाहते हैं। गुरुनाथ मैयप्पन को हमने हाजिर होने के लिए बोला है क्राइम ब्रांच में और एक बार गुरुनाथ मैयप्पन आ जाएंगे तो उनसे जो जानकारी हमें मिलती है उस जानकारी को हमें टैली करना है बिंदु दारा सिंह की ओर से दी गई जानकारी के साथ में। इसलिए हम जो है चाहते हैं कि बिंदु की रिमांड बढ़ा दी जाए, ये रिमांड एप्लीकेशन में भी लिखा है और इस आशंका से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता कि गुरुनाथ मैयप्पन को शुरुआती पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस तरह से क्राइम ब्रांच जो है उनको ट्रेल कर रही है और जितनी गंभीरता से उनकी भूमिका को देखा जा रहा है क्राइम ब्रांच की ओर से, तो इस अनुमान को जो है गलत नहीं माना जा सकता कि गुरुनाथ मैयप्पन की गिरफ्तारी हो सकती है। शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच प्रमुख की तरफ से बयान आया है कि एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी नहीं होगी, पूछताछ क्राइम ब्रांच के दफ्तर में होगी। लेकिन बड़ा सवाल, पूछताछ के बाद ही क्या मैयप्पन की गिरफ्तारी होगी?